ये क्या बॉल फॉलो नहीं कर रही? समझा, राक्षस की जान जैसे तोते में थी वैसे ही इस बॉल की जान इस घड़ी में है। दिमाग ठिकाने लगाऊं क्या? अरे ये क्या? ये तो घड़ी है, जैसे किस्मत आकर खुद पैरों में गिरी हो सुबह सुबह। क्या बात है? अरे ये क्या है? ये बॉल तो सांप की तरह मेरी तरफ आ रही है। भागो, भागो, बचाओ, भागो, बचाओ। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मैंने क्या पाप किया? क्यों मार रहे हो? अरे मैंने क्या पाप किया है? कुछ नहीं किया है। भागो, घड़ी नहीं है मेरी। अब उसकी क्या है? वापस दो, छोड़ दो मुझे। थैंक यू। मुझे मार क्यों रहा है? बाप रे बाप। अरे क्या हो गया भाई? क्या पुलिस ने फिर से नाश्ता करा दिया? नहीं सर, बॉल ने करा दिया सर। इस बॉल ने? हाँ। अपनी घड़ी दिखाना जरा। हाँ ये देखो। ये कहाँ से मिली? मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाती है। इस बॉल की जान इस घड़ी में है, इसे निकाल कर फेंक दो, फिर ये तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। ये करना पॉसिबल नहीं है सर, कुछ और आइडिया बताइए। तो फिर उस चिप को इसमें से निकालना होगा। चलो साइंटिस्ट के पास चले। क्या सचमुच वो कर पाएंगे? हाँ। जरा उधर घूमिए। हाँ। मैं भी घूम जाता हूँ। 1 2 3 बोलते ही भाग लेना। 1 2 3। खतरनाक मत बनाओ, मुझ में करंट मत भरो, मैं किसी के साथ खेल नहीं सकूंगा। शट अप, यूजलेस फेलो। आई एम योर बॉस, मैं जैसा कहूंगा वैसे ही करोगे। ओके? ओके बॉस। हाँ। ओके। अच्छा, घटोत्कच तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा फिर बेबी को रास्ते से हटा दोगे। हाँ। घटोत्कच की एक कमजोरी मैं जानता हूँ। अरे वो क्या है, हमें बता दो ना। पापा, उससे क्या पूछ रहे हो, रोबोट सब कर देगा। रोबोट कब आएगा और हम बेबी को कब मारेंगे और ये जायदाद हमारी कब होगी। अरे इसी के साथ कुछ सेटलमेंट करते हैं। तोताराम, उस घटोत्कच की कमजोरी हमें बता दो, बड़ा पुण्य मिलेगा तुम्हें। पुण्य की बात नहीं है, ये कैश की बात है। कैश मिलते ही काम हो जाएगा। इतनी सी बात, दोनों को 100-100 रुपए दे देंगे। हाँ। दिमाग ठिकाने लगाऊं क्या। चलो दोनों को 1-1 लाख, और अगर जबान से मुकर गए तो खून खराबा हो सकता है। ठीक है, उस घटोत्कच की कमजोरी क्या है पहले ये तो बताओ। भक्ति। क्यों ताज्जुब हुआ, बस यही एक तरीका है, उनको उनकी भक्ति से ही मारना पड़ेगा। वो कैसे। वो सब तो मैं देख लूंगा। सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। अब हम बड़ी आसानी से उस घटोत्कच को मार सकेंगे, परंतु उस बेजान पुतले में इतनी शक्ति डालकर तुमने हमें बहुत प्रसन्न किया। तुरंत उस बेजान पुतले को हमारे पास लेकर आओ, तब हमारे मन को शांति मिलेगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। रोबो के शरीर में इस वक्त हाई वोल्टेज करंट है, अगर उसे छुओगे तो जल जाओगे। दूर से ही देखना होगा। अभी दिखाता हूँ। बड़ा अद्भुत है गुरुजी। हाँ, अद्भुत है। उसकी शक्ति देखना चाहते हो यही ना। हाँ। वेट, चंपा। जी सब जी। अपने सुब्राव पर बहुत धूल जमी है, उसकी सफाई कर दो। अच्छा ठीक है। Don't touch me. Don't touch me. No. Don't touch me. अद्भुत है ये साइंस, बहुत अद्भुत है। इस महातांत्रिक को प्रसन्न करने वाले तुम महाविद्वान हो, हम बहुत प्रसन्न हुए। अब उस घटोत्कच को मारने के लिए इस बेजान पुतले को तुरंत आदेश दो। सारा प्रोग्राम तैयार है, आप अगर इसका बटन दबाओगे तो ये सुब्राव उस घटोत्कच को खत्म कर देगा। हे घटोत्कच, तूने समझा है कि तुझे कोई नहीं मार सकता। तुझे मारने का मंत्र दंड मेरे हाथ में है, तुझे खत्म कर दूंगा। बेबी की बलि चढ़ाकर मैं सारी शक्तियों को अपने बस में कर लूंगा। पुअर फेलो, तेरी बलि चढ़ाने तक बेबी कहाँ रहेगी। अरे पागल तांत्रिक, रोबो के जाते ही बेबी और घटोत्कच दोनों स्मैश। जय अम्बिनेयम प्रसन्ना जयनेयम, 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 जय अम्बिनेयम। घटोत्कच के आने से पहले ही हमें उस बेबी को खत्म करना होगा। पापा, बेबी। क्या मतलब, बेबी की जान खतरे में है? हाँ। रोबोट से तुमको भी खतरा है। राजा, बेबी को बचाना तुम्हारा फर्ज है, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए ये मेरा भी फर्ज है। इस काम में मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। तुम मान तो जाओगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रोजा, हमें चलना चाहिए। चलो। हाँ।